So guys, we are here Prince Abdullah bin Faisal Stadium में मैच है Al Ittihad versus Al Nassr और Benzema versus Cristiano Ronaldo. Basically जो fans locally सऊदी अरेबिया में नहीं रहते उनको इन teams का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन Benzema और Ronaldo को कौन नहीं जानता. दोनों Real Madrid के legend हैं और आपको पता है कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है फुटबॉल में और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आज बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो यहाँ सऊदी लीग में खेल रहे हैं. सिर्फ Benzema रोनाल्डो नहीं बल्कि माने भी यहाँ पर हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर सऊदी लीग को ज्वाइन कर चुके हैं. नेमार भी आ चुके हैं ऑब्वियसली. तो इस मैच की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मैच है क्योंकि ये सऊदी अरेबिया की हिस्टोरिकली अगर आप देखें फुटबॉल में तो टॉप के दो क्लब्स हैं. दो बड़े क्लब्स जद्दा सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इतिहाद और अल अहली, और दो बड़े क्लब जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रियाद में नसर और अल हिलाल. तो आज का मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि नसर सेकंड पोजीशन के ऊपर है. इतिहाद ज़्यादा अच्छा कर नहीं रही इस टाइम पे और पिछला गेम भी वो होम पर 3-1 से हारी थी एक मिड टेबल टीम से. तो देखते हैं आज के गेम में क्या होता है. और पिछला भी लोग आपने मेरा देखा था मैनचेस्टर सिटी का जो मैच हुआ था वर्ल्ड क्लब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, मैंने आप वी लॉग आपके लिए बनाया था. ये दूसरे स्टेडियम में मैच है तो अभी स्टेडियम में एंटर होते हैं सो फिर उसके बाद आप को बाकी की चीज़ें पता लगेंगी. सो गाइस, ये है स्टेडियम फैसल अब्दुल्ला स्टेडियम. तो अभी हम लोग एंटर होंगे स्टेडियम में और जद्दा सिटी में एक अकेले अकेले कोई 3 या 4 स्टेडियम जो हैं वो बड़े अच्छे लेवल के स्टेडियम्स हैं. तो अभी हम एंटर होंगे स्टेडियम में. मैंने आपको पहले बताया था कि ये माहौल पहले कभी नहीं सऊदी अरेबिया में देखने को मिला. पिछले एक साल की जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की उसकी वजह से आज फुटबॉल यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो पहले भी थी लेकिन इतना क्रेज़ देखने में नहीं आ रहा था क्राउड का. या बड़े बड़े प्लेयर्स ने जब से ज्वाइन किया है तो उसके बाद से आप देख सकते हैं आपको आवाज़ें आ रही होंगी किस तरह से यूरोप में इस तरह का क्रेज़ होता है फुटबॉल का. और अभी आप लोगों ने पिछला वीलॉग भी दिखाया था मैनचेस्टर सिटी का तो वहाँ पर ये शोर शराबा इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आई जो यहाँ के लोकल मैच में आपको नज़र आ रही है. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बॉल उनके पास आता है तो लोग उनको बू भी करते हैं, कुछ चेयर भी करते हैं. तो Benzema भी खेल रहे हैं तो मिला जुला सा जो है माहौल बना हुआ यहाँ पर. सो इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग सीन. इत्तेहाद ने गोल स्कोर कर दिया है और रोनाल्डो की टीम एक गोल से पीछे है. Benzema की टीम ने गोल स्कोर कर दिया है अल इत्तेहाद ने और इस वक्त रोनाल्डो की टीम एक गोल के
पीछे जा रही है। अभी भी अपडेट नहीं किया है उन्होंने। तो भाइयों रोनाल्डो का सीयू मोमेंट कैप्चर हो गया है। रोनाल्डो ने पेनल्टी पे गोल स्कोर कर दिया है और जिस मोमेंट के लिए मैं यहाँ पर आया था वो मोमेंट कैप्चर हो गया कैमरे में आपके लिए। मैंने गोल भी डाल दिया है वीलॉग में और पैसे पूरे हो गए मेरे यहाँ आने के और जिस मकसद के लिए मैं आया था वो मकसद पूरा हो गया। और अमेजिंग एटमॉस्फेयर, आप एटमॉस्फेयर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अमेजिंग अमेजिंग सीन्स। तो भाइयों हाफ टाइम हो चुका है और 2-1 से अल नसर की टीम जीत रही है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक गोल स्कोर किया है, दूसरा गोल टेलिस्का ने किया है और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है अल नसर के लिए क्योंकि ऑलरेडी 10 पॉइंट पीछे वाला हिलाल जो नेमार की टीम है उससे, और ये काफ़ी बड़ा मैच है और ये मैच जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गैप को थोड़ा सा क्लोज कर सकें। गेम इन हैंड के साथ 10 पॉइंट्स बिहाइंड होना काफ़ी बड़ा गैप है। तो देखते हैं, अभी हाफ टाइम हुआ है और बेंजेमा कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आए इस गेम में अभी तक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है और अब देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर और बाकी जो माहौल है वो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। तो अभी सेकंड हाफ देखते हैं कि कैसा होता है। तो गाइस वार चेक हो रहा है इस टाइम पे और पॉसिबल पेनल्टी चेक है, देखते हैं कि पेनल्टी मिलती है अल नसर को, रोनाल्डो की टीम को कि नहीं। रेफ का डिसीजन है पेनल्टी टू अल नसर, सेकंड रोनाल्डो सी मोमेंट ऑन द वे। Oh!
रोनाल्डो का दूसरा गोल मैच में और इस तरह से 3-2 की लीड मिल गई अल नसर को, और इस गोल के साथ रोनाल्डो इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। 53 या 54 गोल्स हो गए उनके, और हालांकि मबाप्पे सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर हैं। तो रोनाल्डो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इस कैलेंडर ईयर में 50+ गोल स्कोर करना जहाँ कहा जाता है कि रोनाल्डो अब ख़त्म हो चुके हैं, 38 ईयर्स के हो चुके हैं, वहाँ पर वो अभी भी गोल पे गोल स्कोर कर रहे हैं और इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले अब तक के प्लेयर बन चुके हैं। अल नसर का चौथा गोल जिसका बहुत ज़बरदस्त रन था उनका, और बड़ा प्यारा उन्होंने पास दिया, सेल्फिश नहीं हुए और माने ने गोल स्कोर किया, और 4-2 से इस टाइम पे लीड कर रही है अल नसर की टीम अगेंस्ट बेंजिमा की अल इत्तेहाद। 83 मिनट्स ऑन द क्लॉक, 5-2 अल नसर, और ये गेम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। 3 गोल की लीड है अल नसर की, 2 गोल रोनाल्डो ने किए हैं, 1 तलिस्का ने और 2 गोल माने ने किए हैं, और इत्तेहाद की तरफ से दोनों गोल हमदल्ला ने किए जो कि मोरक्कन इंटरनेशनल प्लेयर हैं और वर्ल्ड कप में भी मोरक्को को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। मैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो कल को मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है, तो इस वजह से मैं इंजरी टाइम पूरा देखे बगैर ही जा रहा हूँ, और अभी तक स्कोर है 5-2, और काफ़ी अच्छी गेम थी, एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। और मज़े की बात यह है कि रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए पेनल्टी पे, और सीयू मोमेंट भी कैप्चर हुआ, और पहला हाफ थोड़ा सा स्लो था लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी ओपन गेम हुई है वहाँ पर, और 2 गोल रोनाल्डो की तरफ से देखने को मिले, 2 माने की तरफ से देखने को मिले, और 2 गोल इत्तेहाद की तरफ से हमदल्ला की तरफ से देखने को मिले। तो हमदल्ला जो मोरक्को के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी मोरक्को को, तो बहुत अच्छी गेम थी। कांटे को देखने को मौका मिला, लापोर्ट को मौका मिला देखने को। तो सऊदी अरेबिया में फुटबॉल तो अभी ये पहला ही सीज़न था जहाँ पर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, और अब आगे वाले आने वाले सीजन्स में तो बहुत कुछ यहाँ पर होगा। और रोनाल्डो ने ये बात कही थी कि अगले 4-5 सीजन्स में यूरोप को टक्कर देगी सऊदी लीग, और उसकी झलक जो है हमें नज़र आना शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी गेम थी, काफ़ी मज़ा आया, और रोनाल्डो की टीम अल नसर को ये मच नीडेड विक्ट्री थी उनके लिए, क्योंकि वो निमार की अल हिलाल के से 10 पॉइंट पीछे थे, तो ये गेम जो है जीतना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि ताकि वो लोग गैप को क्लोज कर सकें। तो ये था आज का वीलॉग, नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और आई होप कि आपको वीलॉग पसंद आया होगा। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीलॉग कैसा लगा।